चीन हिंद महासागर में भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में एक रडार बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस रडार बेस के जरिए वो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा कुंडकुलम और कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नजर रख सकेगा। देश के दक्षिणी हिस्से में सामरिक संपत्तियों को भी चीन इसके जरिए निगरानी में रखने की कोशिश करेगा। प्रस्तावित रडार डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों ने बताया कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के डोंडरा खाड़ी के पास जंगलों में लगाएगा। सूत्र कहते हैं कि अगर चीन श्रीलंका में ये रडार लगा लेता है तो ये क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इससे भारत के दक्षिणी हिस्से की सामरिक संपत्तियां रडार की सीमा में आ जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि रडार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही को ट्रैक कर सकता है। चीन रडार कुंडनकुलम और कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी कर सकता है। श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में चीन की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आर्थिक तंगी में फंसे श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, इसलिए वो चीन की इन मांगों को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। जानकार मानते हैं कि चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया। द्वीप देश के विदेश नीति में भी चीन का दखल देखने को मिलता है। चीन श्रीलंका के बड़े संस्थानों को अपने प्रभाव में रखता है। डोंडरा खाड़ी श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि एक वक्त यह श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। चीन ने श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट को पहले ही 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। पिछले साल चीनी सेना का एक जासूसी जहाज यहां रुका भी था। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 हबनटोटा बंदरगाह पर 6 दिन रुका। कहा गया कि ये जहाज ईंधन भरने और दूसरी तरह की आपूर्ति के लिए रुका। भारत के आधिकारिक तौर पर इसे आपत्ति जताई। श्रीलंका से कहा गया कि वो चीनी जहाज को वहां रुकने की अनुमति ना दे, लेकिन श्रीलंका चीन के दबाव के आगे झुक गया। चीन का जहाज सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली से लैस था। उसे खोजबीन और पड़ताल में महारत हासिल थी। ऐसे में देखा जाए तो चीन अब जिस नए रडार बेस की बात कर रहा है उसके जरिए वो भारत पर और अपने अन्य दुश्मनों पर लगातार निगरानी रखने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।